जय हिंद डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 9.3। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इफ ईच स्मॉल स्क्वायर हैज ए साइड ऑफ 1 यूनिट। तो भाई यहाँ जो छोटा छोटा स्क्वायर दिख रही है ना भाई, इन सब स्क्वायर के साइड्स 1 यूनिट करके है। तो यहाँ देखिए, ये जो ट्राइंगल है इसको अगर कंप्लीट कर दूँ ना तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, यानी कि एक स्क्वायर टाइप की बन जाएगी ना। तो आप देखिए, ये जो पर्सन है इसकी एरिया निकालना है। तो यहाँ देखिए कितने छोटा छोटा स्क्वायर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो भाई यहाँ जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है दोनों सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए इसको कंप्लीट करने से दूसरा और एक ट्राइंगल बन गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पर्सन है इसकी एरिया और ये जो पर्सन है इसके एरिया बराबर होगा। तो यहाँ पूरा कितने हैं, 9 स्क्वायर यूनिट्स है। तो 9 को हाफ कर देंगे तो ये जो ट्राइंगल है इसके एरिया हमें मिल जाएगी। तो भाई 1 नंबर के टोटल एरिया कितने हैं, 9 है। तो 9 को 2 से डिवाइड करना, 9/2 इज इक्वल टू 2 4 जार 8, 1 बचाना 4 कंप्लीट 1/2 और 4.5 स्क्वायर यूनिट। एस क्यू मतलब स्क्वायर और यहाँ यूनिट्स लिखना, क्योंकि यहाँ यूनिट में सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं, जस्ट यूनिट लिखा है। तो एक्चुअली देखिए 1/2 की वैल्यू है 0.5, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए, इसको कंप्लीट करिए तो ऐसा हो रही है, ये हो रही है। तो कितने हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, 1, 2, 3 है। तो 3, 5, 15 है, ठीक है। पूरा इस रेक्टेंगल में 15 स्क्वायर यूनिट्स है, तो 15 को आधा कर देना, ठीक है, 15 को आधा कर देना, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये जो पूरा रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल के आधा है। तो भाई किसी भी ट्राइंगल से हम एक रेक्टेंगल आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसी ही ट्राइंगल को इसके ऑपोजिट में ड्रॉ कर देंगे सेम साइज की, तो वो कंप्लीट होकर एक रेक्टेंगल बन जाएगी। आप देखिए 2, 7 जार 14, 1 बचाना तो 1/2 है। तो इजिकल टू 7 कंप्लीट 1/2, यानी कि 7.5 है, 7.5 स्क्वायर यूनिट या फिर यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, इसको कंप्लीट करिए, ये ऐसा हो रही है ना, ऐसा हो रही है। अब कितने स्क्वायर्स बने, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 3, 4, 12 है। तो 12 की आधा होगा ना, तो 12/2, तो एरिया इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए ऐसा हो रही है, अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो ऐसा हो रही है। अब देखिए इस पर्सन का तो टोटल कितना है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 है। तो एरिया इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स है। इजी ना भाई, कितनी इजी है। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, इसको कंप्लीट करिए तो ऐसा हो रही है कंप्लीट करने से। तो देखिए कितने स्क्वायर्स हैं, छोटा छोटा कितने स्क्वायर ब्लॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो 10 का आधा होगा ना, तो 10/2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, इसको कंप्लीट करिए तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। तो एरिया इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स है। इजी ना भाई, कितनी इजी है, कितनी इजी है। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, इसको कंप्लीट करिए तो यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए तो एक रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल में देखिए कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। टोटल 4, 6 जार 24, 4 × 6 = 24 होगा और इसके आधा है ना, तो 2 से डिवाइड देना। अब देखिए 2, 2 जार 4, 2, 6 जार 12, 12 स्क्वायर यूनिट्स। भाई ऐसे ढंग से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, 8 नंबर की जो ट्राइंगल है तो इसे और एक ट्राइंगल बना के एक रेक्टेंगल बना देना, तो ये हो रही है। इधर गुनिए 1, 2, 3, 4, 5 है और इधर देखिए 1, 2, 3 है, तो 3 × 5 / 2 है, तो डिवाइड बाई 3, 5 = 15/2 इज इक्वल टू 7.5 और 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इजी ना भाई, कितनी इजी है। तो देखिए इस टाइप की फिगर्स यानी कि ट्राइंगल्स के एरिया से ही निकलना बेटर है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।